इस तरह से कंटिन्यू करने के बाद ये जीरो हो गया, ये बच गया आपका टू के। अगर के का वैल्यू निकालेंगे तो जीरो बटे टू हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो गया, तो ये के का वैल्यू कितना निकल गया, जीरो। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखते हैं तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव दैट रूट टू इज जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 2√x² माइनस 10x माइनस 4√2, फाइंड इट्स अदर जीरो। यानी हमें एक रूट्स दिया हुआ है और अदर रूट्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यह करना है, यहाँ पर 7 नंबर में अगर आप देखते हैं x इक्वल टू रूट टू दिया हुआ है, तो x माइनस रूट टू प्लस साइन इधर आ गया तो माइनस हो गया ज़ीरो। अब आप इसे क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 6x³ प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2, इसे अब डिवाइड हम करेंगे x माइनस रूट टू से। ठीक है गैस, यहाँ पर अब हम देखेंगे दोनों में कितना अंतर है भाई, तो पावर में अगर देखें तो दो का अंतर है, कितने का अंतर है, दो का अंतर है, यानी एक्स का पावर टू से मल्टीप्लाई करना होगा। और नंबर का अगर फर्क देखें तो यहाँ वन है और यहाँ सिक्स है, यानी 6x² से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे हम देखते हैं आगे कि सपोज़ अब इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्स माइनस रूट टू को 6x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो गया 6x³ माइनस 6√2x², ये रिजल्ट आएगा। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास आ गया 6x³ माइनस 6√2x², ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। होता है यह कि अगर यहाँ पर साइन जो भी दिया है उसका अपोजिट साइन को लिखते हैं और फिर ये साइन को भूल जाते हैं और नीचे वाला साइन को याद रखते हैं जो नया साइन हमने दिया था। ये हो गया प्लस 6 और प्लस रूट टू वन, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7√2x², और एक नंबर को आप उतार देंगे वो हो जाएगा माइनस 10x। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ x है, यहाँ x² है, पावर में दो का फर्क है और यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा और x होगा पहले, न स्क्वायर में फ़र्क है ना। अब नंबर देखते हैं, यहाँ 7 है रूट टू नहीं है, यहाँ 7√2 है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई 7√2 से करना होगा। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करके अब हम देखते हैं x माइनस रूट टू को मल्टीप्लाई 7√2 से करते हैं, ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√2x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई भी किया है तो x² हो गया, यह प्लस और ये माइनस तो माइनस हो गया, ये आपका हो गया 7 और √2 √2 टकरा के मिल जाएगा √2x, क्योंकि आपको पता होगा √a × √a बराबर a होता है। क्लियर, सो गाइस अब यहाँ पर आप देखेंगे 7√2x² माइनस 14x आएगा। अब यह नंबर को आप यहाँ लिखेंगे 7√2x² माइनस 14x, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दिया, यह नंबर सेम था, कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस 14 है माइनस 10 है तो माइनस कीजिएगा तो 4x होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब आप इसे माइनस 4√2 को भी उतार लेंगे ऊपर से, जैसे डिवीजन मेथड से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो नंबर तो एक्स सेम है और साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, 4√2 भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x माइनस 4√2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, मिला जीरो। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, यहाँ देखिए अब मेरे पास आ गया 6x² 7√2x प्लस 4 = 0। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, कैसे फैक्टर तोड़ लेते हैं, आपको पता है x² के बगल में जो नंबर होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आएगा। अब 24 को तोड़ेंगे तो 3 का टेबल में अगर तोड़ें तो 8 आएगा, फिर 3 के टेबल में तोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब हमें लाना कितना है, 7√2x,
अब इसे हम लोग तोड़ेंगे, इसको ऐसा ब्रेकअप कीजिए कि जोड़ घटाव करने के बाद ये आ जाए, ठीक है। आप अगर देखेंगे कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² + 4√x + 3, यहाँ पर x भी है, √2x + 4 = 0। अब पहले इसको देख लेते हैं कि ये नंबर मल्टीप्लाई करके आता है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 3 = 7, 7√2 तो आ गया, लेकिन इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4√2 × 3√2, 4 × 3 = 12, क्लियर। और √2 √2 होकर सिर्फ 2, तो 24 भी आ गया, जैसे हमने यहाँ बोला था 24 आना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे वो देखिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2, और क्या साथ में x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच गया 3 और x बच गया, और यहाँ 2√2 बच जाएगा, प्लस 2√2 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन दोनों में से प्लस प्लस साइन है तो इसे प्लस ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यह हमको चाहिए, इसमें से √2 कॉमन है, जैसे आप 4 है तो इसको आप 2√2 + 2√2 में अगर √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 हो गया, √2 √2 का अगर हो जाएगा ख़त्म तो सिर्फ 2 बचेगा × 2, तो 4 आ जाएगा भी, तो इसको आप क्या करें, √2 कॉमन ले लें। अब यहाँ बच गया आपको 3x + 2√2, सॉल्व करेंगे फिर वही आ जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों में से यह कॉमन हो गया 3x + 2√2, और दूसरा मिलेगा 2x + √2 = 0, क्लियर। एक बार इतना बराबर 0 लीजिए, 3x + 2√2 = 0, x का वैल्यू ये प्लस जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा 2√2 और डिवाइड में 3, एक रूट से निकल जाएगा। दूसरा रूट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, इफ़ 2x + √2 = 0, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो -√2/2, ये दो रूट्स निकल जाएंगे। सॉल्यूशन एक बार बढ़िया से देखिएगा, हो सके तो वीडियो पॉज करके आप देखें तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए अब आ गया आपको क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए, अपने से भी पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसका जो है सारा चीज़ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा PDF बना के, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारे पास बोला है द लाइन्स ऑफ गिवन दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको याद होगा कि हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे दो इक्वेशन को लेकर, रिवीजन कर ले उसको जरा सा पहले, a1x² b1x + c1 = 0, a2x² b1x + c2, सब 2 है ठीक है, = 0। एक चार्ट आपको याद रखना होगा, वो चार्ट क्या है वो मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूँ। अगर a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर अगर आ गया ठीक है, और c1/c2 के बराबर अगर नहीं आया, ये दो ठो बराबर आ गया, तीसरा के बराबर नहीं होगा, तो लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा। लाइन कैसा ग्राफ जब खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप a1/a2 = b1/b2 c1/c2 आ जाए, तीनों बराबर अगर मिल जाए तो लाइन जो है कौन डेंट हो जाएगा, और इसका इन्फिनेटिव मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी इन्फिनेटिव का साइन होता है ये सॉल्यूशन होगा, यानी एक से ज़्यादा आंसर आएंगे, इन्फिनेटिव आएंगे। कोसाइन इसको कहते हैं कि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी ओवरलैप हो जाए, पैरेलल लाइन इसको कहते हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। a1/a2 =
बी वन बाई बी टू अगर ये आपस में बराबर नहीं हुआ तब उसको हम करेंगे कि लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग करेगा यानी लाइन एक दूसरे को काटेगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ और एग्जैक्टली जो होगा सिर्फ वन सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमें के का वैल्यू निकालना है इन दोनों इक्वेशन में से, जो आप देख पा रहे होंगे इनमें से दोनों में से हमको के का वैल्यू निकालना है, और कंडीशन दिया हुआ है लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन ये होता है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा इक्वेशन है टू एक्स के वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या दिया पैरेलल। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, है ना, तो लिखेंगे ए वन बाई ए टू यानी वन बाई टू, ए वन बाई ए टू यानी वन बाई टू, बी वन बाई बी टू वो होगा मेरा टू बाई के, हो गया। अब आगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे जब सॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो कंडीशन क्या है पैरेलल है ना, पैरेलल कह रहा है, तो ए वन बाई ए टू जो बराबर होगा बी वन बाई बी टू के बराबर होगा। अब हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वन बाई टू और ये दिया हुआ है टू बाई के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, के का वैल्यू टू टू या फोर, हो गया कम्प्लीट। इस तरह से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला है फोर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, विच वैल्यू ऑफ द के डज द फ्लोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब हमसे क्या कह रहा है, नो सोल्यूशन होगा, तो नो सोल्यूशन के लिए आपको क्या कहा गया था कि जिसका सोल्यूशन क्या नहीं होगा, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन को पलट के बताया गया, वहाँ बोला गया था लाइन पैरेलल होगा और इसमें कह रहा है कि नो सोल्यूशन होगा, तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा और ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू करके इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इसको अगर हम गौर करें, इक्वेशन दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, दूसरा दिया हुआ है टू के माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन वाई इक्वल टू टू के प्लस वन, आपको निकालना है ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू। ये उस कंडीशन में आता है जब नो सोल्यूशन है, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में भी कहा है नो सोल्यूशन, ये कंडीशन कब होगा जब सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वन क्या है मेरे पास थ्री, ए वन क्या है थ्री और ए टू क्या है टू के माइनस वन बराबर। अब हमारे पास बी वन है वन और बी टू है के माइनस वन, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, ये हो गया आपका थ्री के माइनस वन और इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू के माइनस वन ही होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो थ्री के माइनस थ्री इक्वल टू टू के माइनस वन। अब इसको नंबर को के को एक तरफ और नंबर को एक तरफ रख दें, थ्री के माइनस टू के इक्वल टू थ्री प्लस वन, ये हो गया फोर और थ्री में से टू कैंसिल हो जाएगा घट जाएगा तो क्या बचेगा के, यानी के का वैल्यू फोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, बोला के का वैल्यू इसी तरह का एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था किताब में, वो आपको बनाना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा किताब का क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है, मेनी सॉल्यूशन का, इसी तरह का एक सॉल्यूशन आप भी बनाएंगे जो मेनी सॉल्यूशन करके आ रहा है यानी इन्फिनेटिव सॉल्यूशन। जब इन्फिनेटिव यानी मेनी सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए कंडीशन आपको याद है होना चाहिए, वह कंडीशन है कि तीनों बराबर होगा, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ बना के दे देंगे, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा किताब आपका रिवीजन एक बार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40
4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नाव जो है अप स्ट्रीम यानी कि नदी की दिशा में और एक नदी के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलता है 10 घंटे में। अगर 13 घंटा में इन 13 आवर्स इट गो कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 55। वाइस आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लीजिए, फिजिकल नहीं ठीक होने के कारण, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि सारा हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे, इसीलिए मैं सॉल्यूशन को बता रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले कि अगर आप नदी जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में अगर आप बहेंगे चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलिएगा जिस दिशा में पानी चल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आप चलिएगा तो आपकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, तो पहले आप कंसीडर करेंगे इसमें हमको दोनों निकालना है, स्पीड ऑफ स्टीम और बोट इन स्टील दोनों निकालना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, बोट इन स्टील वाटर यानी कि रुका हुआ पानी में। ठीक है, मान लीजिए वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्टीम जो पानी का बहाव है उसको मान लेते हैं वो y किलोमीटर पर आवर। अब हम लोगों को दो यहाँ पर, क्योंकि हम क्या कहें कि पानी के बहाव में अगर पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप जाइएगा तो आपके स्पीड को बढ़ा देगा, यानी इन दोनों को प्लस करना होगा। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ अगर आप आएंगे डाउन स्ट्रीम में अगर आएंगे तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसी को अप स्ट्रीम में जाएंगे द बोट अप स्ट्रीम में अगर आप जाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में बात आ रही होगी। अब आगे आप जानते हैं कि फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ठीक है, तो पहला टाइमिंग अगर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बोल रहा है 30 किलोमीटर में अप स्ट्रीम जा रहा है, तो मान लेते हैं टाइमिंग फर्स्ट T1 लिया और वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड मेरा कितना हुआ x माइनस वन, ये उस कंडीशन में हुआ जब अप स्ट्रीम है। ठीक है, और टाइमिंग t इक्वल टू ले लें कि अगर हम डाउनवर्ड स्पीड में जाएंगे तब हम इसको देखते हैं। डाउनवर्ड में मान लेते हैं टाइमिंग वो होगा मेरा T2। अब इसको आप 44, चूँकि अगला 44 किलोमीटर बोला है तो 44 किलोमीटर x प्लस y, ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर डाउनवर्ड अपवर्ड में जाते हैं तो हमको कितना लग रहा है 10 घंटा लग रहा है, तो इन दोनों टाइमिंग को जोड़ देंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू 30 बाई x माइनस वाई प्लस 44 और x प्लस वाई, और ये दोनों टाइमिंग कितना है 10 घंटा। अब इसे आप एक यहाँ पर 30 बाई x माइनस वाई और ये हो गया 44 बाई x प्लस वाई। ठीक है, इसको आप एक इक्वेशन मान के बनाएंगे जैसा कि हम यहाँ पर आपको बोल दे रहे हैं, यहाँ भी यहीं पर आपको कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ सपोज कर लीजिएगा 1 बाई x माइनस वाई इक्वल टू यू मान लीजिए और 1 बाई x प्लस वाई इक्वल टू भी मान लीजिएगा, तो यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगा 10 1 बाई x की जगह पर आपने क्या माना है u, तो 30 u हो गया और ये 44 भी हो गया, ये इक्वेशन 1 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर फिर कह रहा है, देखिए फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमको 13 घंटा लगता है अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर, तो सेम कंडीशन से बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 इक्वल टू, अभी हमारे पास कितना किलोमीटर है 13 घंटा में 55 और 40, तो
40 एक्स माइनस वाई और टी टू इक्वल टू 55 बाई एक्स प्लस वाई। अब दोनों टाइमिंग को आप जोड़ देंगे तो 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई, यह टाइमिंग आपको 13 दिया हुआ है। 40 एक्स माइनस वाई प्लस 55 और एक्स प्लस वाई, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40u और 55 भी होगा 30, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 बाई प्लस माइनस में अलग अलग मान के रखा, तो वो रख दिए हम लोग। अब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हो गया है, फर्स्ट इक्वेशन और टू इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अब इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन है आपका 30u प्लस 44 भी इक्वल टू 10, दूसरा है 40u प्लस 55 भी इक्वल टू 30, दूसरा इक्वेशन है। अब हम इसे क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे, तो क्या करते हैं, ये नंबर मान लीजिए भी को बराबर, तो 55 ये हो गया और 44 को, यानी ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काम करते हैं। तो यहाँ से 11 से कर रहा है तो कैंसिलेशन कर देंगे, 11 55 11 4 44, 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5 3 15 यानी 150u प्लस 5 से इसे गुना कीजिएगा, 5 4 20 5 4 20 और 2 22 भी इक्वल टू 50। अब 4 इससे गुना होगा तो 4 4 16 160u और 4 55 यानी 5 4 20 हाथ में 2 22 हो गया। अब यहाँ 13 4 4 12 13 4 52, अब यहाँ पर आप इसको प्लस माइनस कर दें, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों नंबर कट जाएगा, यहाँ 50 में से 60 उल्टा घट रहा है तो -10u इक्वल टू -2, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, u का वैल्यू हो गया सिर्फ 2, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, u का वैल्यू। अब इसे हम लोग अब दूसरे पेज में देखने जा रहे हैं, ठीक है गाइस, ज़रा से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या निकाला, u निकाल दिए हैं। अब किसी भी इक्वेशन में u का वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है, और जैसे u का पुट कीजिएगा तो भी निकल जाएगा। चलिए हम यहीं पर बताते हैं, कोई भी इक्वेशन लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया, 1 का क्या है मेरे पास, ये है 30u प्लस 44 भी इक्वल टू 10, u का वैल्यू 2 निकला है, 30 × 2 प्लस 44 भी इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप भी का वैल्यू निकाल दीजिए, जैसे निकालिएगा तो यहाँ एक इक्वेशन जो आपने पहले माना है x माइनस वाई इक्वल टू यू, तो यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू यू का वैल्यू आप 2 रखेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कीजिएगा तो 1 बाई 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर आपका तीसरा इक्वेशन तैयार होगा, उसी तरह से 1 बाई एक्स प्लस वाई का निकालिएगा तो यहाँ पर आपका फिर एक इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी 2 से काटिएगा 5 बार में, यानी 1 बाई 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाई 5 आप रखेंगे, ठीक है ना, गलती थोड़ा सा हो गया, सॉरी 1 बाई 5। और यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद जब 5 यहाँ है तो 15 150, और यहाँ भी भी का वैल्यू अगर निकालिएगा तो वो सॉल्यूशन करके आएगा, भी का वैल्यू जो आएगा 1/11 आएगा। अब यहाँ पर 1/11 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ गया। अब यहाँ पर आपका इक्वेशन 4 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 को जब सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था तो यहाँ से 5 था, यहाँ 11 है, तो ये 5 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये काट दीजिए, प्लस माइनस 2x, 11 5 16, सो कैंसिलेशन कीजिए तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको खुद आता है, एक बार रिवीजन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं, सारा एक्सरसाइज का रिवीजन होगा। गाइस हो सकता है हमारी आवाज़ आपको पूरी नहीं मिल पा रहा होगा कि तबीयत ख़राब है, और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है गाइस।